हेलो एवरीवन, राजस्थान चिल्ड्रंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इन लास्ट क्लास वी स्टडीड चैप्टर 1 इन ज्योग्राफी पार्ट आवर एनवायरनमेंट। द चैप्टर्स नेम वाज द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटैलिटी। सो ये आपकी बुक में है, पेज नंबर 101 से लेकर 106 तक मेंशनड है। तो हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क था कि आप सभी इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, लर्न करेंगे और इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका चैप्टर था द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटैलिटी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देख लीजिए आप इसे। हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, देन ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, देन हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर ये सारी चीज़ें पढ़ी, इन वर्ड्स का मतलब समझा, इनकी डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देन हम लोगों ने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, मतलब हमारी जो अब बायोडाइवर्सिटी से ऐसे समझ लीजिए, लास्ट ऑल हम लोगों ने क्या समझाया था कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचर है, नेचर फॉर एग्जांपल किसे बायोडाइवर्सिटी को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक एनवायरनमेंट है, आपका घर है, घर के आसपास आपको छिपकलियाँ भी दिखेंगे, कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे, आपको तुलसा का पौधा आप लोगों ने उगा रखा होगा, आपने कोई और पौधे उगा रखे होंगे, आप लोगों ने घास भी उगा रखी होगी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीव आपके आसपास हैं, आपके आसपास जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग लाइव्स सर्वाइव कर रही हैं, इन सबको इंक्लूड करके क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी। तो एक एक एरिया में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लाइफ्स होंगी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही रिच होगी। तो इसे बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये चीज़ें हम लोगों ने किस में पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। आज आप लोगों को इस चैप्टर के पीछे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, ये आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क था, एक बार हम लोग सभी देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसे मैच कर लीजिए और जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स नहीं मिले थे वो इसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, मतलब जो नीचे हर क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से हमको जो सबसे सही ऑप्शन है उसे टिक करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल इको सिस्टम, मतलब कि इनमें से कौन सा इको सिस्टम जो है वो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, मतलब ह्यूमन मेड है, कि इंसान ने इनमें से किसको बनाया। तो पहला ऑप्शन है डिजर्ट, दूसरा ऑप्शन है एक्वेरियम, तीसरा ऑप्शन है फॉरेस्ट, चौथा है माउंटेन्स। तो ये तो आप सभी को समझ में आता होगा कि ना इंसान ने रेगिस्तान बनाए हैं, ना जंगल बनाए हैं और ना पहाड़ बनाए हैं। इंसान क्या बना सकता है, एक्वेरियम। एक्वेरियम आप सभी को घर पर मिल जाता है, आप लोग मार्केट से परचेज करके ले आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, एक्वेरियम। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, मतलब कि ह्यूमन एनवायरमेंट जो है, ह्यूमन और ह्यूमन के आसपास का जो एनवायरमेंट है वो इनमें, ह्यूमन एनवायरमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन है लैंड, दूसरा ऑप्शन है रिलीजन, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिटी, चौथा ऑप्शन है एजुकेशन, ओके। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि दो तरीके के एनवायरमेंट है, एक है ह्यूमन एनवायरमेंट, दूसरा है नेचुरल एनवायरमेंट। तो रिलीजन इंसान ने बनाया है, हम लोगों ने खुद ने अपने अपने धर्म डिसाइड किए हैं, हम लोगों ने अपने धर्मों के रूल्स बनाए हैं। कम्युनिटी हम इंसानों से बनती है, ह्यूमन से बनती है। एजुकेशन जो है वो हम लोगों ने डिस्कवर करी है, एक इंसान दूसरे इंसान को देता है। बट लैंड, लैंड हमें लॉर्ड ने दी है, गॉड ने दी है, ये ह्यूमंस ने नहीं बनाई है, तो ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। विच ऑफ दी, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मतलब इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंसान के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट है। ऑप्शंस क्या क्या है, माउंटेन, सी, रोड एंड बीच। तो इंसान पहाड़ बना सकता है क्या, नहीं। इंसान समंदर बना सकता है क्या, नहीं। इंसान रोड बना सकता है, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। चौथा क्या है, बीच। इंसान बीच भी नहीं बना सकता। बीच क्या होता है, जो समंदर और धरती जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जो ब्यूटीफुल मिट्टी से एक प्लेन सरफेस होती है जहाँ लोग एंजॉय करते हैं वेकेशंस में, उसे बीच कहा जाता है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, मतलब इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो
एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं चार्ज, एक है ग्रोइंग प्लांट्स, दूसरा क्या है ग्रोइंग पॉपुलेशन, तीसरा क्या है ग्रोइंग क्रॉप्स, चौथा क्या है ग्रोइंग फ्लावर्स। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। क्या आप लोग धरती पर पेड़ उगाएंगे तो इससे धरती को नुकसान होगा? नहीं। क्या आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे, मतलब जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो इससे धरती को नुकसान होगा? यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? बी। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस में, द इंटरेक्टिव जोन बिटवीन लैंड एयर एंड वाटर इज कॉल्ड, मतलब वो जोन जहाँ पर कि लैंड एयर एंड वाटर मिलते हैं उस जोन को क्या कहा जाता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले ही पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक ग्लोब बनाया था जिस ग्लोब के अंदर हम लोगों ने तीन सर्कल्स बनाए थे, एक लैंड था, एक एयर था, एक वाटर था, एंड देन कहा था कि जहाँ ये सर्कल्स तीनों एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बायोस्फेयर। ये हमारे क्या हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे कौन से आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिथोस्फेयर, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के थ्रू कि लिथोस्फेयर क्या है। तो लिथोस्फेयर क्या होता है बच्चों, अ सॉलिड मटेरियल और रॉक्स ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ मेंटल टुगेदर इज नोन एज लिथोस्फेयर। अगर आपको देखना है लिखने के लिए तो आप लोग कहाँ से देखेंगे, पेज नंबर 102, वहाँ पर आपके मैंशनड है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लोग लिखेंगे लिथोस्फेयर में डेफिनेशन यहाँ से है कि विच आर फाउंड, दे आर मेड ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन इंटीरियर एज वेल एज ऑन अर्थ सरफेस। लिथोस इज ए ग्रीक वर्ड। तो डेफिनेशन आप लोगों को अभी क्या बताई मैंने, आप लोग वही लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, ए सॉलिड मटेरियल और द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर इज नोन एज लिथोस्फेयर। ओके, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, वॉट इज बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर कहाँ पर आता है हम लोगों ने, इसी पर पेज नंबर 102 पर ही लास्ट जो आपका डेफिनेशन वो क्या है, बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, पहले लाइन, बायोस्फेयर इज द इंटरेक्टिव जोन बिटवीन लैंड वाटर एंड द एयर दैट सपोर्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि बायोस्फेयर जो होता है वो इंटरेक्टिव जोन होता है लैंड वाटर एंड एयर के बीच का। तो बायोस्फेयर आपका डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ तक हो चुका है। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए, biodiversity refers to the variety of living organisms on above and under the surface of the earth। ठीक है, आप लोगों को वीडियो ये जब रिकॉर्डेड सेशन में भेजा जाएगा, आप लोगों को YouTube का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को पॉज करके यही डेफिनेशन अपने नोटबुक में लिखेंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, biodiversity refers to the variety of living organisms ऑन, मतलब आपकी सरफेस के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सरफेस के जो ऊपर रहते हैं, अबव सरफेस के, ऑन द सरफेस मतलब सरफेस पर ही जो रहते हैं, अबव द सरफेस मतलब जैसे पक्षी हो गए जो ऊपर की तरफ रहते हैं, एंड अंडर द सरफेस मतलब पानी में जो रहते हैं, खड्डे में जो नीचे रहते हैं, जैसे चूहे हो गए, सांप हो गए। तो ये सब चीज़ें, इनको सबको वैरायटी को इंक्लूड करके क्या क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी में। अगर आपको बुक में देखना है तो आप पेज नंबर 104 पर देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ाया गया है, इट इज़ द वैरायटी एंड डिफरेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन द ग्राउंड, मरीन मतलब अंडर द ग्राउंड, एंड अदर एक्वेटिक सिस्टम्स एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ तक की आपकी डेफिनेशन होगी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थ्रेट्स आर वी होल्डिंग टू अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको क्या पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन से आपसे पूछना चाह रहा है कि हम लोग एनवायरनमेंट से क्या थ्रेट्स, मतलब हम लोग इंसान एनवायरनमेंट पर क्या क्या खतरा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर लिखेंगे,
इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर। हाँ तो बेटा, हमारा जो ये क्वेश्चन था, व्हाट थ्रेट्स आर वी होल्डिंग टू आर एनवायरमेंट्स, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को क्या बताना है कि हम लोग एनवायरमेंट के लिए क्या क्या खतरा पैदा कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग कोई भी दो पॉइंट्स लिख दीजिए, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर है, तो आप लोग सिर्फ कोई भी दो पॉइंट्स लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते हैं, वेस्ट्स को हम लोग इधर उधर डिस्पोज कर देते हैं, तो क्या है, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम लोग जो जंगलों को काटते जा रहे हैं वो क्या है, हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा है। और दूसरा क्या है, हम लोग जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको हियर एंड देयर डिस्पोज कर देते हैं। तो ये आपके पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, पांचों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर कर लिए, देन हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो चारों क्वेश्चंस कवर कर लिए। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर जो है आपको अराउंड 2 से 3 लाइन में लिखने होते हैं, ठीक है, 2 से 3 लाइन में आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहला ही पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, नेम इट्स 2 मेन कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इकोसिस्टम आप लोगों को कहाँ पढ़ाया गया था, इकोसिस्टम आप लोगों को पढ़ाया गया था चैप्टर में, ये रहा द सम टोटल, पहली पहली लाइन चैप्टर की पेज नंबर 101 पर, द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आर सराउंडिंग्स, व्हाट इज the sum total of all conditions prevailing in our surroundings is ecosystem। आप लोग अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, वीडियो को आप पॉज करके जब क्लास को रिवाइज करें तब दिख लीजिएगा, क्या आप लिखेंगे, ecosystem is a system where the living and non-living components of earth is interrelated and interdependent on each other। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कि जीवित और मृत जो कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ के, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। देन हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन हमसे पूछी गई है कि व्हाट नेम इट्स 2 मेन कॉम्पोनेंट्स। तो इकोसिस्टम के 2 मेन कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं, इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या लिखेंगे, नेचुरल कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स, इसके आप 2 कंपोनेंट्स भी लिख देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यू अडॉप्ट एट होम, ठीक है। तो आप लोगों को वेस्ट डिस्पोजल का मेथड इसमें एक्सप्लेन करना है। वेस्ट डिस्पोजल में आप लोग क्या लिखेंगे कि वी, यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, वी कलेक्ट household garbage separate and harmful and the garbage that need proper management separate। so waste disposal का सही तरीका क्या होता है, biodegradable जो waste होता है, मतलब ऐसा waste जिससे कि reuse किया जा सकता है, जिसका कि खाद बनाने में, compost बनाने में, वापस से काम में इस्तेमाल लिया जा सकता है, उसको अलग collect किया जाता है। and then non-biodegradable जो waste होता है उसको dustbin में अलग collect किया जाता है और उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो आप लोग अपने घर पर ये प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा आप लोग इंग्लिश में इसे लाइन बनाकर लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, वी जनरली डिस्पोज द वेस्ट इन फॉलोइंग 2 वेज, पहला बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको हम लोग उस मेन्योर और कंपोस्ट बनाते हैं, और दूसरा क्या लिखेंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे हम डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं और रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट आंसर टाइप इज, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टेट 1 मैन फीचर ऑफ ईच, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है यहाँ आपसे, पूछना चाह रहा है कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट होते हैं ये क्या क्या होते हैं, और इनका कोई भी एक फीचर या फिर एक एक विशेषता बताइए। तो नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, नेचुरल एनवायरनमेंट आप लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 101 पर लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये द नेचुरल एनवायरनमेंट में आप क्या लाइन लिखेंगे, इट एनकम्पेसेस ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर और हैव अकर्ड नेचुरली ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ तक ये आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हो गई। क्या वो सारी जीवित और मृत चीज़ें, वो सारी जो जिंदा हैं और जो जिंदा नहीं है, जैसे कि आपकी
टेबल हो गई, आपकी बुक हो गई, लेकिन वो चीज़ें जो कि अर्थ की सरफेस पर नेचुरली रिकवर की गई थी, नेचुरली मतलब इंसान ने नहीं बनाया है। फॉर एग्जांपल पेड़ को इंसान ने बनाया है कि नहीं, तो वो क्या है, नेचुरल, ठीक है। एंड तो ऐसी सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, और इसका फीचर भी यही है। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट आप कहाँ पर पढ़ेंगे, पेज नंबर 102 पर। इसमें क्या है, पेज नंबर 102 पर आप लोगों को ह्यूमन एनवायरनमेंट का डेफिनेशन मिलेगा, सॉरी पेज नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, व्हेन ह्यूमंस इंटरेक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट टू सूट देयर नीड्स, मतलब जब ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं और उसे फिर अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की जो स्कूल में वुडन चेयर्स होती हैं वो कैसे मिलती हैं, पेड़ होता है, पेड़ के साथ ह्यूमन ने इंटरेक्शन किया, उसे काट दिया, फिर उसे मशीन्स के थ्रू उसकी एक टेबल बनाई, उसकी एक स्टूल बनाई, एंड देन आप लोगों के लिए वो एक सोफ़ा एंड फर्नीचर बन गया, आप लोगों के लिए स्कूल की चेयर्स बन गई। तो ये कैसा एनवायरनमेंट हुआ, ये आपका हुआ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये वाले लाइन लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट टू देयर नीड्स। ये आप लोगों को कौन से क्वेश्चन में आंसर लिखना है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। देन जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में। इसमें आपको पहले पहले क्या पूछा गया है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट विद देयर टू कॉमन कॉम्पोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट पर कुछ दो तीन लाइनें लिखिए, इसके दो कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हुए, कौन कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो आप लोगों को कौन सा आंसर लिखना है, आप लोगों को लिखना है यहाँ से पेज नंबर 101 पर, नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं, यहाँ से इंक्लूड करना है, इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज अमंग themselves एंड देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये दो तीन लाइनें लिखेंगे जो अभी मैंने आपको बताई है, कहाँ से, यहाँ से, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स से लेकर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स तक, एंड देन बायोटिक और एबायोटिक में आप ये वाली टेबल बनाएंगे और इसे याद करेंगे। इस टेबल को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है कि बायोटिक क्या होती है, लिविंग थिंग्स, एबायोटिक क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक क्या होते हैं, ये ग्रोथ फंक्शंस, मरना, जीना, वृद्धि करना, ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जबकि एबायोटिक क्या होते हैं, ये सिर्फ जो जिंदा चीज़ें हैं उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं। देन इसका थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर फाउंड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दे आर फाउंड, दे मेक द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब ये किसी एनवायरनमेंट में स्पेशली मिलते हैं और ये एनवायरनमेंट को बनाते हैं जिसमें कि जिंदा चीज़ें रह सकती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, फायर, वाटर, सॉइल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, आपको जितना मैंने बताया पेज नंबर 101 से, ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से लेकर लिविंग सराउंडिंग्स तक, एंड देन ये टेबल आपको बनानी है बायोटिक एंड नॉन बायोटिक की, और आपको ये याद करना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। कंजर्वेशन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि हमें अपने वातावरण की, एनवायरनमेंट की सुरक्षा करने की क्या जरूरत है, क्या ज़रूरत है। तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 104 पर, जो आपका थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा आपको, कि बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ सिस्टम्स इज आवर एनवायरनमेंट एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या आंसर लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जीने के लिए, हमारी लाइव्स के लिए बेसिक नीड है, इसकी ज़रूरत हमें जीने के लिए है, इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना होगा। इसके अलावा आप लोग और क्या लिख सकते हैं इसमें, इसके अलावा आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि आप कैसे कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि वेस्ट को सही से डिस्पोज करना, बायोडिग्रेडेबल को अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग, जो बैलेंस है सिस्टम में उसको मेंटेन करके रखना, देन वापस से पेड़ पौधे लगाना जिससे जंगल बढ़ सके, और जो शिकार होता है, चेक ऑन पोचिंग, मतलब शिकार को रोकना, एंड देन लास्ट वन इज सेविंग रिसोर्सेज एंड एनर्जी, मतलब हमें ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाना है, ऊर्जा से मतलब जैसे घर में लाइट को जलता ना छोड़ें, पंखे को ऑन ना छोड़ दें, गाड़ी को बिना मतलब गाड़ी का फ्यूल ना बर्न करें, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज बचेंगे और एनवायरनमेंट को हार्म कम पहुंचेगा। तो ये आपके इस चैप्टर के
सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। जो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे जब आपकी स्कूल खुल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मैप चाहिए होगा और बोर्ड की नीड पड़ेगी, आपको साथ साथ टीचर के कंप्लीट करना होता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सबके आंसर देखे। फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है बी, फिफ्थ का आंसर है सी। देन हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स मार्क किए बुक के अंदर पीछे से। देन हम लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मार्क किए बुक में पीछे से। लॉन्ग आंसर में एक का क्वेश्चन मैंने आंसर जो है मैंने आपको वर्बली लिखवाया है, जिसे आप वीडियो से फिर से सुन लेंगे, और बाकी मैंने आपको नोटबुक से नोट करवाए हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर वन ज्योग्राफी पार्ट में द एनवायरमेंट इन इट्स टोटैलिटी कम्प्लीट हुआ। इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी बच्चों का आज का होमवर्क यही है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सभी अपनी अपनी फेयर नोटबुक में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर के जितने भी डेफिनेशंस हैं उन्हें लर्न करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके एवरीवन, किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, यदि बाद में पढ़ते समय डाउट आता है तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकता है, टीचर उसका रिप्लाई करेगा, या नेक्स्ट क्लास में डाउट्स पूछ सकता है, हम लोग तब भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन।